Well, hello everyone. Today again in the lecture series of Total Quality Management, we have covered till now all the quality control tools, but today in this lecture I will be discussing the types of control charts. We have already discussed the concept of control charts, but there is a question and that needs to be understand, what are the different types of control charts? कितने तरीके के कंट्रोल चार्ट्स होते हैं. एंड आप जब इंडस्ट्रियल लाइफ में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे कंट्रोल चार्ट्स आप लोग यूज़ करते हैं टू सी वेदर योर प्रोसेस इज़ इन कंट्रोल और नॉट. बट मैं आपको उसका एक क्लासिफिकेशन दूंगा जिससे आप आसानी से ये याद रख पाएंगे कि कंट्रोल चार्ट्स किस किस बेसिस पर आइडेंटिफाई किए जाते हैं. सो जैसा कि मैंने कहा, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट्स. The control charts that you or your team will decide should be determined by the type of data that you have. तो सबसे पहले आप उन सारे control charts में से जो मैं भी आपसे discuss करने वाला हूँ, सबसे पहला point of opinion, point of view आपका होना चाहिए कि आप ये देखेंगे कि आपका जो data है वो किस तरीके का है. There are two types of data that you will find. Number one is variable type data and number two is attribute type data. अब बात आती है कि साहब वेरिएबल टाइप डेटा क्या होता है और एट्रीब्यूट टाइप डेटा क्या होता है. वेरिएबल टाइप डेटा इंक्लूड्स द डेटा वेयर वी कैन मेज़र द थिंग्स. जहां पर हम मेज़र कर सकते हैं, जिस डेटा को मेज़र किया जा सकता है, वो किस कैटेगरी में आता है? वेरिएबल टाइप डेटा में. अब आप एग्जाम्पल खुद भी सोच सकते हैं, मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे कि लेंथ. आप हमेशा बात करते हैं कितना लेंथ है, 10 मीटर, 15 मीटर. दैट मीन्स आप उसको थ्रू सम मीडियम, थ्रू सम मीन्स, थ्रू सम मेथड आप उसको मेज़र कर रहे हो. आपका ब्लड प्रेशर कितना है, से अपर ब्लड प्रेशर और लोअर प्रेशर कितना है, तो 130, 90, जो भी आपकी वैल्यूज़ आती है, दैट मीन्स आप उसको किसी ना किसी मेथड से मेज़र कर रहे हो. लाइक यू वॉन्ट टू मेज़र द डायामीटर ऑफ अ बॉल, तो आप अगेन यहाँ पर अगर बात करूँ तो मेज़र कर रहे हो. वॉल्यूम अगर आप मेज़र कर रहे हो, वेट आप अपना मेज़र कर सकते हो, टेम्परेचर. सो ऑल दीज डेटाज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वेरिएबल टाइप डेटा, बिकॉज हेयर यू कैन मेज़र दीज डेटा वैल्यूज़. अब आती है दूसरे नंबर पे जो डेटा होता है, वो होता है एट्रीब्यूट टाइप डेटा, जहाँ पर आप मेज़रमेंट नहीं करते हैं, जहाँ पर आप काउंट करते हैं, जैसे कि नंबर और परसेंट डिफेक्टिव आइटम्स, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, कितने टाइप के, 2, 3, 4. हेयर एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर काउंटिंग नंबर ऑफ डिफेक्ट्स एक आइटम में कितने हैं. एक सैंपल है 10, उसमें एक सैंपल है जिसका साइज़ है 10, 10, उसमें आइटम्स रखे हैं. आपने कहा इसमें से 2 आइटम ऐसे हैं जो डिफेक्टिव हैं, या उस आइटम में कितने डिफेक्ट्स हैं, तो आप इस तरह से काउंट कर रहे हो. दैट मीन्स आप डेटा को काउंट कर रहे हो. कितने आपकी क्लास में बच्चे हैं, दैट मीन्स 4, 10, 12. इट मे गो ऑन टू सम एनी अदर नंबर, बट यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यू आर रिलाइंग मोर ऑन काउंटिंग ऑफ द डेटा. तो ये आता है आपका एट्रीब्यूट डेटा में. आई होप दिस डिविज़न ऑफ वेरिएबल टाइप डेटा एंड एट्रीब्यूट डेटा इज़ क्लियर टू ऑल. Now on the type of variable data and on the type of attribute data, control charts are classified as shown in this PPT. The control charts for variable data, number one chart that you will see and you will use when you will undergo this quality management principle, that is X bar and R charts. X bar means the average of the sample and R means range of the sample. अभी मैंने आपको बताया कि आपके सैंपल में सपोज़ करिए 5 आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, 5 नंबर हैं, दैट इज़ एन इज़ इक्वल टू 5, और हर एक सैंपल का अलग अलग आपने नंबर लिया. जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि 5 ऑब्जर्वेशंस हमने देखी थी, एक ऑब्जर्वेशन में आपने 10 दिया था, एक में 9 दिया था, एक में 8 दिया था. अब मुझे इन सबका एवरेज निकालना था, तो मैंने क्या करा था, सारी ऑब्जर्वेशंस को सम कर लिया था, डिवाइडेड बाय कितना किया था, जितनी ऑब्जर्वेशंस थी, लाइक 5 थी, तो मैंने 5 से कैलकुलेट करके उसका एवरेज ले लिया था. अब रेंज क्या होती है, रेंज होती है आपकी जो उन 5 ऑब्जर्वेशंस में सबसे बड़ी वैल्यू होगी, दैट इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन माइनस द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो वो उस डेटा की
रेंज आ जाती है। वहाँ पर 10 मैक्सिमम था और 7 अगर माइनस मिनिमम था तो 10 माइनस 7 दैट इज़ द रेंज ऑफ दैट डेटा। इसी तरह से दूसरे चार्ट होते हैं हमारे पास एक्स बार एंड एस चार्ट्स। यहाँ पर एक्स बार वही सैम्पल एवरेज के लिए स्टैंड करता है और एस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्टैंड करता है, जिसको मैं सिग्मा भी बोल सकता हूँ। और आपको मैंने बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। और वेरिएंस कैसे निकालते हैं ये आप लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। तीसरा आपका जो चार्ट आएगा वो आएगा मीडियन एंड रेंज चार्ट। मीडियन को हम MD से भी डिनोट करते हैं और सिंबल से भी हम डिनोट करते हैं, वो हम देख लेंगे कि कैसे डिनोट किया जाता है। तो मीडियन आपको निकालना, पहले भी आपने स्कूल टाइम में सीखा होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ कि मीडियन इज़ नथिंग बट द मिड वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अगर आपने सपोज़ करिए कि आपके पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 5 ऑब्जर्वेशंस को आप एक ऑर्डर में लगा लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए, और उसमें जो थर्ड ऑब्जर्वेशन आपका आ रहा होगा वो आपका मीडियन होगा। अगर आपके पास 2 ऑप्शंस ऐसे आ रहे हैं कि अगर यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 की जगह 6 हो जाती हैं, तो आप बीच की 2 वैल्यूज़ को ले लेंगे, यहाँ पर थर्ड और फोर्थ वैल्यू को लेकर उसका एवरेज निकाल कर आप मीडियन निकाल सकते हैं। सो मीडियन एंड आर चार्ट्स। लास्ट हमारे पास होता है एक्स एंड RM चार्ट्स, दैट इज़ फॉर इंडिविजुअल मेज़र एंड मूविंग रेंज। क्योंकि वहाँ रेंज नहीं होगी, वहाँ पर मूविंग रेंज हम लोग बोलते हैं। इसी तरह से हम एट्रीब्यूट डेटा में अगर चाहें तो हमारे पास 4 तरह के चार्ट्स होते हैं। P चार्ट्स दैट स्टैंड्स फॉर प्रपोर्शंस ऑफ यूनिट नॉन कन्फर्मिंग। यहाँ हम प्रपोर्शनैलिटी में बात करते हैं, कितनी यूनिट्स नॉन कन्फर्मिंग हैं। अगर 10 यूनिट हैं, 10 में से 3 हैं, तो 3/10 इज़ द प्रपोर्शन ऑफ दैट यूनिट। इसी तरह से NP चार्ट्स होते हैं, जहाँ पर हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स नॉन कन्फर्मिंग। यहाँ सीधे हम नंबर्स में डील करते हैं। उसके बाद हमारे C चार्ट्स आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं नंबर ऑफ डिफेक्ट्स और नॉन कन्फर्मिटीज़। इसी तरह से U चार्ट आते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट, एक यूनिट में कितने डिफेक्ट हैं, वहाँ हम इस तरह से मेज़र करते हैं, दैट कम्स फॉर यू चार्ट। और जहाँ पर हम सिर्फ नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स देखते हैं वो आते हैं हमारे सी चार्ट में। अब सवाल फिर वही आता है, हाउ डू आई सेलेक्ट माई कंट्रोल चार्ट। तो उसका बड़ा एक अच्छा टेबल मैंने बनाया है, वो आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा, एंड यू शुड नो, यू शुड लर्न कि किस कंडीशन में, कितने ऑब्जर्वेशंस में आप सैम्पल साइज के अकॉर्डिंग कौन सा कंट्रोल चार्ट यूज़ करेंगे। पहले मैं देख लेता हूँ कंट्रोल चार्ट सिलेक्शन फॉर वेरिएबल टाइप डेटा। अगर वेरिएबल डेटा है वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, जहाँ आप मेज़र कर रहे हो वो डेटा वेरिएबल टाइप है। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो आप x एंड RM चार्ट पे जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला इंडिविजुअल मेज़र है एंड यू विल सी मूविंग रेंज। अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2 या 2 से अधिक और 9 या 9 से कम हैं, तो आप मीडियन एंड R चार्ट पे जाएंगे। दिस सिंबल x स्टैंड फॉर मीडियन। इसी तरीके से अगर आपके ऑब्जर्वेशंस 3 से लेके 5 के बीच में वेरी करता है, तो आप x बार एंड R चार्ट पर जाएंगे। और अगर n का साइज़ आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 है, तो आप x बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाले पे जाएंगे, यानी कि सैम्पल एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट पे जाएंगे। दिस चार्ट इज़ वेरी हेल्पफुल, यू मे नोट इट डाउन आफ्टर सीइंग दिस वीडियो और इन बिटवीन द वीडियो एज वेल। इसी तरह से एट्रीब्यूट डेटा के लिए भी हम कंट्रोल चार्ट सिलेक्ट करते हैं। अगर हमारा डिफेक्ट और नॉन कन्फर्मिटी डेटा की बात करें या डिफेक्टिव डेटा की बात करें, तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पे अगर आप काउंट करते हैं तो सी या यू चार्ट्स में आएंगे। लेकिन अगर आपका सैम्पल साइज कॉन्स्टेंट है तो आप सी चार्ट यूज़ करेंगे। अगर आपका सैम्पल साइज वेरिएबल है, यानी कि बदल रहा है, तो आप यू चार्ट यूज़ करेंगे। इसी तरीके से डिफेक्टिव डेटा में चले जाएं तो या तो पी चार्ट हो सकता है या एनपी चार्ट हो सकता है। तो आप अगर सैम्पल साइज कॉन्स्टेंट है, एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 यहाँ पर वैल्यू है, तो आप पी और एनपी चार्ट दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका एन की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 है लेकिन वेरिएबल है, वेरिएबल सैम्पल साइज है, तो आप हमेशा पी चार्ट यूज़ करेंगे। सो आई होप अगेन इन दिस लेक्चर the types of control chart is clear to you. You will identify the control chart on the basis of the data you have. आपके data variable हो सकता है या फिर
एट्रीब्यूट टाइप हो सकता है। वेरिएबल डेटा है तो मैंने आपको चार तरीके के चार्ट्स बता दिए, और किस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में कौन सा चार्ट यूज़ करना है ये आपको मैंने बताया। दूसरी बात आपको मैंने बताया एट्रीब्यूट डेटा की, अगर एट्रीब्यूट डेटा है तो आपको चार तरीके के चार्ट्स बता दिए, या तो डिफेक्टिव होगा, नॉन कन्फर्मिटीज़ की बात करोगे डिफेक्टिव डेटा कितना है, या आप बात करते हो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स की, जो सिंपल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स में बात कर सकते हो, या एक यूनिट में कितने डिफेक्ट हैं इस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसको फर्दर जब क्लासिफाई करोगे तो देख लेना कि सैंपल साइज आपका कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट सैंपल साइज है तो आपकी रिक्वायरमेंट चार्ट को यूज़ करने की बदल जाती है। ये मैंने आपको इसमें क्लासिफाई करा। आई होप अगेन दिस स्मॉल वीडियो इज़ फ्रूटफुल टू यू। इन्जॉय योर वेकेशंस एंड स्टडी दिस मटेरियल। थैंक यू।